गर्मा मूंग की खेती कैसे करें? दलहनी फसलों में मूंग महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें 24% प्रोटीन के साथ साथ रेशे एवं लौह तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। गर्मा मूंग की बुआई का अनुकूल समय 10 मार्च से 10 अप्रैल होता है। किसान भाइयों जोहार। गर्मा मूंग की खेती के लिए सबसे पहले तो खेत की तैयारी करेंगे, खेत की जुताई। उसके लिए खेत की जुताई पहले 2-3 बार खेत को अच्छी तरह से ट्रैक्टर से जुताई कर लेंगे। उसके बाद पाटा डाल करके समतल कर लेंगे खेत को, और तब उसकी बुआई करते हैं। बुआई के लिए हम लोग कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। बीज की मात्रा 30 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से गर्मा मूंग के लिए रखना चाहिए। और इसमें जो है किस्म, जहाँ तक किस्म का बात है, तो यहाँ गर्मी के मौसम में इसका जो 2-3 मुख्य किस्में हैं, उसमें SML 668 है, उसके बाद IPM 0203, पूसा विशाल, ये सब किस्में गर्मी मौसम में मूंग की खेती के लिए उपयुक्त पाई गई है यहाँ के कंडीशन के लिए। इसके बाद ये जो है उर्वरक प्रबंधन, तो उर्वरक के लिए खेत की जुताई के समय ही, खेत जब तैयार करते हैं उस समय 25, 50, 25 और 20 kg, मतलब 25 kg नेत्रजन, 50 kg फॉस्फोरस, 25 kg 20 kg लगभग पोटास और 20 kg सल्फर का इस्तेमाल उपयोग करना चाहिए। खेत का चयन, ये ऊपर का खेत जिसमें कि पानी का जमाव ना हो, पानी का निकास बढ़िया हो जाए, जब जरूरत हो अगर अधिक सिंचाई में पड़ गया या फिर कभी बारिश हो गई तो खेत में जमाव नहीं होना चाहिए, वो उस तरह से निकासी का व्यवस्था उसमें बढ़िया होना चाहिए। हल्की दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है मूंग की खेती के लिए। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें कि अच्छे किस्म का बीज का चयन करना चाहिए, उर्वरक प्रबंधन सही होना चाहिए, समय से इसका बुआई होना चाहिए, और खरपतवार का जो है वो समय से नियंत्रण अगर हम लोग करेंगे तो अब हमारा जो मूंग का फसल है उसका उत्पादन किसान भाई अच्छा ले सकते हैं। तो लगाने का समय क्या है? लगाने का समय गर्मा मूंग के लिए 15 फरवरी से 15 मार्च तक सबसे उपयुक्त पाया गया है उसका। उसके बाद अगर हम लोग बुआई करते हैं तो इसमें सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ऐसे नॉर्मल जो गर्मा मूंग है उसमें 4 से 5 सिंचाई ये में आपका उपज बढ़िया हो जाता है। सिंचाई तो हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 4 बार कम से कम करें तो उपज ठीक होगा। और खरपतवार के नियंत्रण के लिए तो पहला ये है कि क्लोरोलिन नाम का जो एक खरपतवार नाशी होता है उसको खेत तैयार करते समय ही खेत में डाल दें, या उसके बाद एक आता है टर्गा सुपर नाम का एक दवा रसायन, उसको 20 दिन के आसपास, बुआई के 20 दिन के बाद अगर स्प्रे करेंगे तो खरपतवार का जो है प्रबंधन हो जाता है उससे।